इस वक्त रुचि कुमार हमारी सहयोगी एमपी एमएलए कोर्ट से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रुचि, वहां पर किस तरह की तैयारी है, इसके अलावा सुरक्षा इंतजाम क्या क्या किए गए हैं, और जो वक्त की बात कुमार सोनू कह रहे हैं वो कितनी देर में कोर्ट की तरफ से निर्धारित किया जाएगा? देखिए, कोर्ट में ये कहा जा रहा है कि क्योंकि ये पुराना मामला है इसलिए उम्मीद यही की जा रही है कि ये 2 बजे के बाद आएगा, ऐसा कहा जा रहा है। यहाँ ये कोर्ट है, एमपी एमएलए कोर्ट, इसकी जो पहली मंजिल है वहाँ पर फैसला सुनाया जाएगा। बाहर ज़बरदस्त सुरक्षा के इंतज़ाम है, 2 चौराहे हैं, कचहरी चौराहा है, दूसरा मैनफोर्डगंज चौराहा है, दोनों पर बैरियर लगाए गए हैं, लोगों को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। और ये पुलिस आपको दिखाएं, लगातार पुलिस के आने का सिलसिला जारी है, लगातार पुलिस अंदर जा रही है। एक गेट ये है और इस गेट से गाड़ी अंदर नहीं जा सकती है। दूसरा गेट अगर आगे वो जो दिख रहा है, दूसरा गेट वो है, वहाँ पे गाड़ी थोड़ा सा अंदर चली जाती है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि जब अतीक और अशरफ को लाया जाएगा तो उस गेट से अंदर कर दिया जाएगा। तो पूरे रास्ते जबरदस्त सिक्योरिटी है, पूरा जो यहाँ पे वकील है उनसे कहा गया, अपील की गई है। फ्रीडम ऐप से सीखकर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। कि ज्यादा लोग आज कोर्टरूम में ना मौजूद हो क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो गेट आपको दिखाई दे रहा है इस कोर्ट का, यहाँ से जो प्रिजन वैन है वो अंदर तक जा सकती है। यहाँ भी ज़बरदस्त सिक्योरिटी है, पुलिस वाले हैं, सीआरपीएफ के जवान यहाँ पहुँच चुके हैं, तो पूरी तैयारी है। लेकिन यही कहा जा रहा है कि क्योंकि ये पुराना मामला है, फैसला सुनाया जाना है, तो ये फैसला 2 बजे के बाद आने की उम्मीद है। जी रुचि, थोड़ा इस केस के बारे में भी आप जानकारी दें, चूंकि इतना 17 साल पुराना ये मामला है, लेकिन कैसे इसे जल्दी जल्दी सुना गया, और जब इसका फैसला आना था ठीक उससे 1 महीना पहले ही उमेश पाल की हत्या कर दी गई, जरा ये पूरा सिलसिला एक बार दर्शकों के सामने रखें, क्योंकि ये वही कोर्ट परिसर भी है, इससे पहले उमेश पाल को किस तरीके से अगवा करने की कोशिश की गई थी, जब अतीक और अशरफ के सामने ये प्रयास हुआ था, कई दफा उमेश पाल पर यह साया मंडराया था खतरे का, लेकिन अंततः उसकी मौत हो गई, उसकी हत्या कर दी गई, ये पूरा सिलसिला एक बार दर्शकों के सामने रखें। जी हाँ, देखिए मामला शुरू होता है 2005 से इसी प्रयागराज में। इस प्रयागराज में बीएसपी के विधायक थे राजू पाल, उनकी हत्या कर दी गई थी और आरोप लगा था अशरफ पर, अशरफ मुख्य आरोपी था और अतीक अहमद और उसके गुर्गों पर। अब उमेश पाल इस पूरी हत्या के चश्मदीद गवाह थे, तो उमेश पाल कई बार FIR भी करा चुके थे, शिकायत भी कर चुके थे कि अतीक अहमद लगातार उसको धमकी दे रहा है कि बयान मत दो। उसी सिलसिले में 2006 में उमेश पाल का अपहरण हो जाता है, उमेश पाल एक FIR 2006 की 2007 में जाकर जुलाई में लिखवाते हैं कि अतीक अहमद और उसके गुर्गों ने आकर उसको गाड़ी में अपनी, वो मोटरसाइकिल से जा रहे थे उमेश पाल, और अतीक अहमद लैंड क्रूज़र गाड़ी में थे अपने और उसके गुर्गे एक और गाड़ी में थे, तो अपनी गाड़ी में अतीक अहमद उमेश पाल को ले जाते हैं। यहाँ चकिया में अतीक अहमद का ऑफिस हुआ करता था जिसे अब बुलडोज़र से ढहा दिया गया है, वहाँ ले जाकर उनको मारा पीटा जाता है और ज़बरदस्ती एक बयान लिख के दिया जाता है, और ये कहा जाता है कि कल कोर्ट में जब बयान होगा तो यही बयान देना। तो उमेश पाल डर कर वो बयान दे देते हैं, लेकिन 2007 में यूपी में सत्ता बदलती है, मायावती आती है यहाँ पर, और मायावती ने अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू की थी, तो उमेश पाल की हिम्मत बढ़ती है और वो जाके FIR कराते हैं। तो ये जो आज फैसला आना है ये 2007 में उमेश पाल ने मुकदमा दर्ज कराया था जिस पर आज फैसला आ रहा है, लगातार सुनवाई चल रही थी, करीब 9 लोगों ने गवाही दी है, उमेश पाल की गवाही पूरी हो चुकी थी, लेकिन उस दिन उमेश पाल इसी कोर्ट में इसी मामले की पैरवी करके वापस अपने घर लौट रहे थे, और जैसे ही वो घर के बाहर पहुँचे उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी, बम चलने लगे, जिसमें वो और उनके 2 जो सिक्योरिटी वाले थे वो मारे गए। अब आज इसी मामले में फैसला आएगा उमेश पाल के जो घर वाले, इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालें कि जो अभी ये पूरी कोर्ट की प्रोसीडिंग चली है, ये केस जब सुना गया है, आप बता रही हैं कि 9 गवाहों के बयान दर्ज किए गए, और अगर मैं गलत नहीं हूँ क्या ये वही 9 गवाह भी हैं जो राजू पाल हत्याकांड से जुड़े हुए गवाह थे?
जी हाँ, देखिए क्योंकि पूरा मामला तो उसी से जुड़ा है ना मीनाक्षी, कि राजू पाल की हत्या होती है, राजू पाल की हत्या में जो गवाह थे, उमेश पाल चश्मदीद गवाह था, बाकी भी गवाह थे, कि अतीक अहमद पर ये आरोप है, अतीक और अशरफ पे, कि वो पूरी कोशिश में थे कि उनके खिलाफ कोर्ट में गवाही ना हो, इसके लिए गवाहों को डराया धमकाया जा रहा था। तो इसलिए ये जो सारे लोग हैं इनको भी डराया धमकाया जा रहा था, ऐसा आरोप है। फ्रीडम ऐप से सीख कर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। क्या अतीक लगातार धमकी दे रहा था? अभी उमेश पाल की माँ ने और पत्नी ने कहा कि उमेश पाल के मरने के पहले तक अतीक अहमद जेल से फ़ोन करके उमेश पाल को लगातार धमकी दे रहा था कि अगर गवाही दोगे तो मार दिए जाओगे। तो इस तरह से धमकियां बाकी गवाहों को भी मिल रही थी, क्योंकि अतीक अहमद के ऊपर 100 मुकदमे दर्ज हैं लेकिन सज़ा नहीं हुई है, पूरे परिवार पर 161 मुकदमे दर्ज हैं, 52 अशरफ पे दर्ज हैं लेकिन किसी को सज़ा नहीं हुई है। तो पूरी कोशिश अतीक और अतीक के कुनबे की यही रहती है कि किसी भी तरह से गवाहों को डरा धमका के, गवाहों को बैठा के, गवाहों को रास्ते से हटाकर केस में फैसला ना आने दिया जाए। एक वक्त में अपराध की दुनिया का सरताज कहे जाने वाला अतीक अहमद, वो दुर्दांत अपराधी जिस पर 100 से ज्यादा केसेस चल रहे हैं और ये पहला ऐसा केस है जिसमें फैसला सामने आने वाला है, किस तरह से डरा घबराया हुआ है, सहमा हुआ है, उसके बारे में कुमार सोनू ने हमें बताया कैसी उसकी रात बीती नैनी जेल के अंदर, उसकी भी जानकारी दी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।